हेलो एवरीवन, आज हम ये जीके की बुक जो सेवेंथ क्लास की है इन्फिनिटी बुक्स इनसाइट, इसके चैप्टर वन करेंगे। सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो नेचर से रिलेटेड है और फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्लांट लाइफ। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट मेक स्पोर्स एंड कैन लिव इन अ फेरी ड्राई प्लेसेस। मतलब कि एक ऐसा ग्रुप प्लांट्स का जो स्पोर्स अपने आप ही बना सकते हैं और एक बहुत ही सूखी जगह पर भी रह सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फर्न्स। ये इसकी फर्स्ट फोटो है, इनको हम फर्न्स बोलते हैं। फर्न्स की पहचान क्या होती है कि ये बहुत ही ड्राई प्लेस पर रह सकते हैं और ये अपने आप ही स्पोर्स बना सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। मतलब कि जो पूरी अर्थ में सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट डक वीड वल्फिया है। सबसे छोटे फ्लावर्स इस प्लांट पर लगते हैं और ये इसकी पिक्चर है। आई होप यू कैन सी थ्रू दिस पिक्चर। सो ये इसकी पिक्चर है और इसके ऊपर सबसे छोटे प्लांट्स लगते हैं, सबसे छोटे फ्लावर्स लगते हैं। The largest flowering plant, Chinese Wistaria. इस प्लांट के ऊपर वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े फ्लावर्स लगते हैं और ये फ्लावर्स पर्पल और वाइट कलर के होते हैं। इस प्लांट को हम बोलते हैं चाइनीज विस्ट्रिया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सीवीड जियांट क्लैट। सीवीड मोस्टली समुद्रों में ये प्लांट मिलता है और ये सबसे ज़्यादा बड़ा और बहुत ही जल्दी उगने वाला प्लांट है, इसको हम जायंट क्लैप बोलते हैं और ये इसकी पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्लांट विद द लॉन्गेस्ट लीफ। इस प्लांट के पास सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लीव्स होते हैं, बहुत लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं इसकी। इसका नाम होता है रफिया प्लम। ये रफिया प्लम की पिक्चर है। अगला क्वेश्चन है, लीव ऑफ दिस प्लांट आर सो लार्ज दैट पीपल यूज देम एज अम्ब्रेला इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो इस प्लांट के पत्ते एक अम्ब्रेला की तरह भी काम आते हैं। सो लोग अम्ब्रेला के बजाय इस प्लांट के पत्तों को यूज़ करते हैं। इस प्लांट का नाम है वाइल्ड तारो और ये है इस प्लांट की पिक्चर। सो इसके बहुत लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं और लोग इनको अम्ब्रेला की तरह यूज़ करते हैं। सेवेंथ है हमारे पास, द लीफ ऑफ दिस प्लांट लुक्स लाइक ह्यूज ग्रीन डिनर प्लेट्स लाइंग ऑन वाटर एंड मेजर 7 feet अक्रॉस। मतलब इस प्लांट के जो पत्ते हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि डिनर की प्लेट्स पानी के ऊपर रखी हों। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये ऐसे लगते हैं जैसे कि डिनर की प्लेट्स रखी हों पानी के ऊपर। सो इस प्लांट का नेम है, और हाँ इसकी जो मेज़रमेंट है वो 7 feet है अक्रॉस में। मतलब पूरी मेज़रमेंट इसकी 7 feet है, 7 feet लंबा और मतलब इतना ह्यूज होता है प्लांट। सो इसका नाम है अमेज़न वाटर लिली। 8th, द प्लांट दैट वेट्स 5,000 ton एंड इट ग्रो मोर देन 300 feet टॉल। इस प्लांट का वेट 5,000 ton होता है और ये 300 feet लंबा ग्रो करता है। दे कैन प्रोबली बी कॉल्ड द बिगेस्ट एंड द हैवीएस्ट सिंगल लिविंग थिंग दैट हैज़ एवर एग्जिस्ट ऑन अर्थ। इस प्लांट को हम ये प्लांट कह सकते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे भारी प्लांट था ये अर्थ का, या अभी भी है ये अर्थ का। इसके अलावा कोई और किसी और प्लांट ने एग्जिस्ट नहीं किया जो इतना भारी हो और इतना लंबा हो। और इस प्लांट का नाम है जायंट स्क्वाशिया। ये रहा इस प्लांट की पिक्चर। और अब है लास्ट प्लांट हमारा, श्रब्स फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका दैट आर कॉल्ड इमॉर्टल प्लांट्स एज थ्योरेटिकली दे लिव फॉर एवर।
ये नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में श्रब्स पाए जाते हैं और इन ये इमॉर्टल होते हैं, मतलब कभी नहीं मरते. सो इनको ये कह सकते हैं हम कि हमेशा ज़िंदा रहते हैं. और इस प्लांट का नाम है क्रियोशॉर्ट बुश. सो ये हमारे 9 प्लांट्स थे जो कि अर्थ पर पाए जाते हैं. सबकी अलग अलग स्पेशलिटी है और सबको अलग अलग तरीके से कुछ प्लांट्स को लोग अलग अलग तरीके से यूज़ भी करते हैं. सो अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं और भी इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगी. थैंक यू सो मच.